देश भर में धड़ल्ले से चल रहे स्वच्छता अभियान के चलते कचरे का उचित प्रबंधन न होने की वजह से जिला कांगड़ा में सड़कों के किनारे और खेत खलियान जंगल डंपिंग साइट बनते जा रहे हैं। वहीं किसानों की उपजाऊ कृषि योग्य भूमि भी बर्बाद हो रही है। ताजा मामला नगरोटा बगवा की ग्राम पंचायत ठारू का है, जहाँ वर्षों से किसान शहर की गंदगी से अपनी भूमि को बर्बाद होते देख रहे हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बंद नालियों से निकल रहा है शहर का कूड़ा किसानों के लिए सरदर्द बनकर रह गया है, जबकि इससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। किसानों का कहना है कि नगरोटा बगवा में वर्षों से मुरम्मत को तरसते उच्च मार्ग पर बनाए गए ड्रेनेज व पुलिया न केवल उनकी खेती को लील रही है, बल्कि घर द्वार तक पहुंच रही गंदगी सेहत के लिए भी जोखिम उत्पन्न कर रही है। किसी समय जब स्थान पर खेती लहलाती थी, आज जमीन पर पॉलिथीन कचरे की कई फुट गहरी हो चुकी परतें किसानों की चिंता का कारण बनकर रह गई हैं। इससे पहले कि ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिले, प्रशासन को इनकी समस्या से निजात दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। पहले तो नहीं, पर आजकल जेडी जितनी बरसात हो रही, सारा गंद जितना भी सब्जी मंडी का है, गांव पहचान है, सारा ठारू पंचायत चाय के बड़ा था। हाँ जी, कोई नहीं, कोई देख रेख नहीं है दी, कोई नहीं देखा था, कोई नहीं सुना था इस बारे च। जितनी भी खेती है तो सारी फसल बर्बाद है, गाय आदि सारियाँ थोड़े रहा, सब्जी मंडी सारा टमाटर खादी, बस बाकी कुछ नहीं। जिदा सभी इकट्ठे हुए हैं और जो हमारी जमीन है इसमें सब बाजार का गंद कूड़ा करकट वगैरह सभी यहीं पे इकट्ठा होता है। सभी प्रशासनों को हमने दरख्वास्त दी, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की हुई है और इसलिए हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन यहाँ पे करना पड़ रहा है। ये गांव ठारू पड़ता है, इस ठारू गांव का ये जल में भी टीका है, वार्ड नंबर 9। यहाँ के सारी नगरोटा की गंदगी जो है बरसात में और हर समय इकट्ठी होती रहती है, जिससे कि यहाँ पर कम से कम 100 एकड़ ज़मीन जो है बेकार हो चुकी है। किसान यहाँ पर बहुत दुखी हैं। अभी यहाँ पर सभी पर देख सकते हैं और इसके बारे में मैं NH विभाग, NH से और चीफ मिनिस्टर साहब से और अपना म्यूनिसिपल कमेटी नगरोटा बगुआ, SDM साहब, DC साहब, सभी से गुहार लगा चुका हूँ कि ये इसका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए, स्थायी समाधान किया जाए, लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई भी एक्शन इस पर नहीं लिया है और मैं चाहता हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए ताकि जनता दुखी होने से बच जाए। मैं श्रीमती रक्षा देवी, बाढ़ पंच, आज से 10 साल से पहले वहाँ की जमीन सारी खिली पी है, कर सारा पोलथीन वगैरह जेड़ा सा सारा इधर बाजारे का गंद जेड़ा सा सारे हाड़ियाँ पट्टियाँ होवा दा, कने इन पट्टियाँ हम बाही नहीं सकते, कुछ नहीं करी सकते, कने सारे दियाँ खिलियाँ भी हैं, सारे मैंबर जेड़ा ने सा इतों किट्ठे हुए न, कने आई के इन बाजारे आड़े रोकया जाए और अहन जमीन की रक्षा देखभाल की जाए।